देखिए गाइस, आज हम करने वाले हैं गौमूत्र, नीम और करेले की थेरेपी। तो ये मेरे पास ये रखा है गौमूत्र, तो मैं ये डालता हूँ बाल्टी में। इसमें हम लेते हैं कुछ पानी, ठीक है। तो अब इसमें 1 से 2 लीटर अभी पानी ऐड करेंगे। तो इसमें अभी हमने 2 लीटर के करीब पानी मिला लिया है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें डालना है अभी कुछ नीम के पत्ते और कुछ करेले। अब हम इसके अंदर करेंगे नीम करेले का डाल के। ये रहे हमारे करेले, ठीक है, और ये रहे कुछ नीम के पत्ते। तो अब इसमें ये इस थेरेपी में सीधा ये करना है कि हमें सीधा अंदर उतरना है। अभी ये डांस करना है इसमें बस, और अभी ये डांस जब तक करना है जब तक कि आपके मुंह से जो सलाइवा बनता है वो कड़वा ना आने लगे, या उसमें ये गौमूत्र और नीम और करेले का ये स्वाद ना आने लगे मुंह में। तो अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये पैर बाहर निकल के इसमें कोई भी झाग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अगर जैसे जैसे टॉक्सिन निकलेंगे तो इसमें झाग बनना स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम ककड़ी को काटते हैं तो उसको मथते हैं, तो उससे जो टॉक्सिन्स वगैरह निकलते हैं तो वो ककड़ी के सारे जो कड़वाहट रहती है वो बाहर निकल जाती है। अभी हमें इसको 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू रखना है, जब तक कि कड़वापन मुंह में ना आ जाए। तो कभी कभी इसमें आधा घंटे भी लग जाता है। तो हमें इसमें ये डांस करते रहना है। और अभी देखिए, ये पैरों के नीचे जो करेले आ रहे हैं तो वो भी कुछ कुछ कुचने लगे हैं अभी। तो ये देखिए, ये कीड़े भाई साहब आ गए हैं भैया कुछ इसमें ना। तो अभी इनको पहले तो इनकी थेरेपी ना हो जाए, इसलिए इनको जिंदा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे करते रहेंगे जब तक कि ये मुँह कड़वा ना हो जाए। तो ये बहुत पुरानी जो विधि है जिससे कि हम शरीर के सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और हमारे ये प्राचीन आयुर्वेद से लिया गया है ये सब थेरेपी। तो इसको ये अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो थेरेपी करनी है तो वो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, या जोड़ दर्द की प्रॉब्लम हो तो वो ना करें। तो बाकी ये करना किनको चाहिए तो मैं इसको बता देता हूँ, जिसके भी शरीर में सर्वाइकल वगैरह पेन होता है, ठीक है, जोड़ों का दर्द है, वो कर सकते हैं। शुगर का, जिसको बीमारी है, हाई शुगर लेवल रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये थेरेपी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और जिसको भी शरीर में टॉक्सिन्स वगैरह हो जाते हैं, वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो जाते हैं, तो ये थेरेपी वैसी है। तो आपको ये ऐसे सादा, ये बहुत इजी थेरेपी है, तो आपको ये घर पे यूज़ करनी है। तो ये देखिए, आपको बस ऐसे चलते रहना है। अभी देखिए, मुझे 3.5 मिनट के करीब हुए हैं जब से मैं ये थेरेपी कर रहा हूँ, अभी कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है। और वैसे भी अभी नवरात्रि चल रही है तो मेरा भी व्रत चल रहा है, तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉक्सिन्स तो मेरे भी बाहर निकल गए होंगे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तो 4 मिनट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा इसमें पानी में भी। लेकिन आप देखिए, कुछ कुछ आपको भी बबल्स देखेंगे, देखिए पास से ये बबल्स आने लगे हैं, और गौमूत्र की जो खुशबू है वो मुझे भी बाहर तक आने लगी है। तो गौमूत्र आप हो सकता है तो किसी भी हर्बल शॉप्स वगैरह से ख़रीद सकते हो, या तो फिर आप कहीं भी गौशाला में जाके लेके आ सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ पर तो अभी घर पर ही 2 बछड़ियाँ हैं, तो उनका गौमूत्र इकट्ठा करवाया था मैंने, तो वो मैंने अभी ले लिया है। करीब आधा लीटर के करीब गौमूत्र था ये। अब देखिए, ये नीम के पत्ते भी पिस गए हैं,
करेले तो अभी उतने नहीं हुए हैं नॉर्मल, तो अभी ये करेले भी कुछ कुछ टूट तो आए हैं। तो ये थेरेपी में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पैर में जो रंध्र रहते हैं, तो जैसे कि अपने देखो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो पैरों में कितना ज़्यादा पसीना आता है, जो शरीर का जो 30-40% पसीना रहता है वो हमारे पैरों के पंजों से आता है, जिससे कि बदबू भी ज़्यादा आती है। तो आप देखिए गर्मी में कितना पैरों से पसीना निकलता है। तो सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहती है पैरों से करने के लिए ये थेरेपी। कोई कोई इसको करते हैं कि नीम की और करेले की चटनी बना लेते हैं, इसको मिक्सी से पीस देते हैं, लेकिन आप देखिए जो पैरों से जो कूचने में जो मज़ा आएगा ना आपको, वो आपको अलग ही फील प्रोवाइड करेगा। अभी आप देखिए ये अलग ही ये नीम के पत्ते कैसे टूट गए हैं, तो अली इससे इनका ये नेचुरल ऐसे ही ऑयल निकल जाएगा, तो काई के लिए मिक्सी को भी प्रॉब्लम देनी है। तो ऐसे हम ये आगे करते रहेंगे अभी तो, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको ये आधा घंटे से ऊपर करना है, या तो जब तक करना है जब तक कि ये पानी में झाग ना बनने लगे, आपके मुंह में कड़वाहट ना आ जाए, ठीक है। या तो आपको फिर ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो फिर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, या पैर उसमें भी डाल के रोक सकते हैं, ठीक है। अब गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको आगे भी और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि जो मिट्टी से जो थेरेपी की जाती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो मिट्टी से थेरेपी मैं आपको बता दूँगा आगे की उसमें, और अभी जो मेरा जो चैनल है वो प्राचीन योगा के नाम से है, तो वो उसको आप फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ऐसे ही आगे आपके बेनिफिट के लिए वीडियो आगे बनाता रहूँगा। हो सकता है मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तो हो भी जाएगी क्वालिटी वगैरह सही, ठीक है गाइस। देखिए गाइस मुझको आधे घंटे से ऊपर हो गया है, और इसमें अभी बबल्स भी आ गए हैं अच्छे, ठीक है। और अभी पैर में थोड़ा दर्द भी होने लगा है, और थोड़ा थोड़ा मुंह में कड़वाहट भी महसूस हो रही है मुझे, और मुझे अब कुछ तो नींद भी आने लगी है, शायद ये टॉक्सिन्स रिलीज़ होने का ये कारण ही होगा। और ये इसके अंदर ये फंसूकर देखिए आप देख सकते हो कितना फंसूकर आ गया है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में फंसूकर भी आ गया है, जो कि दिखा रहा है कि इससे बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकले हैं तो अभी वो पानी में पहुँच गए हैं। अभी ये आप चाहे तो ये पानी को आप ना फेंकें, हो सकता है गार्डन में भी डाल दें, तो गार्डन में भी अच्छा ही फ़ायदा ही करेगा, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको इसके फ़ायदे वगैरह बता दिए हैं, और कुछ प्रिकॉशन वगैरह लेने हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ये घर पे ट्राई ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी शुगर वगैरह के मरीज़ हैं, जिनको ब्लड भी प्योरीफाई करना है, बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह निकालने हैं, और बॉडी में जो पिंपल वगैरह एक्ने वगैरह होते हैं वो उससे भी इसमें राहत मिलती है, तो आप इसको ज़रूर करें। इसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है तो मैं वो वीडियो के लिंक में आपको दे दूँगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच।